एक्सेस यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये कंडीशन ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस में देखी जाती थी, पर अब तो वेजिटेरियंस में भी बहुत कॉमन हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता कैसे है, और अगर किसी की बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा है तो उन्हें अपनी डाइट में वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। एंड में मैं आपके साथ यूरिक एसिड के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए, और अगर आपके सर्कल में किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो उन्हें ये जरूर भेजिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं एस हेल्थ कोच हूँ और आई एम वाओ की फाउंडर हूँ। आई एम वाओ प्रोग्राम में हम कस्टमाइज्ड मील प्लान्स प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन 1-to-1 वर्कआउट सेशंस भी देते हैं, जिसकी मदद से दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से हजारों लोग अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस प्रोग्राम की सभी डिटेल्स को जान सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। कुछ खाने की चीजों में एक कंपाउंड होता है जिसे प्यूरीन कहते हैं। जब हमारी बॉडी इस प्यूरीन को ब्रेक डाउन करती है तब यूरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो यूरिक एसिड का बॉडी में बनना और एक्सक्रीट होना एकदम नॉर्मल बात है। हाउएवर, अगर किसी रीजन से ये यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या फिर ठीक से एक्सक्रीट ना हो पाए, तो फिर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, और इस कंडीशन को हाइपर यूरिसेमिया भी कहते हैं। अब ऐसे में ये एक्सेस यूरिक एसिड हमारी बॉडी के जॉइंट्स पे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होने लगता है, जिससे गाउट की प्रॉब्लम होती है। ये एक टाइप का आर्थराइटिस है, जिससे जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एक्सेस यूरिक एसिड किडनी स्टोन या फिर किडनी फेलियर का रीजन भी बन सकता है। सो कुछ डाइटरी चेंजेस, मेडिकेशन और हेल्दी वेट एंड लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से इस यूरिक एसिड के लेवल्स को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि वो कौन से 5 फूड्स हैं जिन्हें हाई यूरिक एसिड में अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है हाई फ्रक्टोज फूड्स। वो फूड्स जिनके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा होता है उन्हें लिमिट कर देना चाहिए, बिकॉज फ्रक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इंटू प्यूरिन विच लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है? सो फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल या फिर ज्यादा पके हुए बनानास, ये सब नेचुरली मीठे होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्रक्टोज हाई अमाउंट्स में होता है, तो इनके इनटेक को लिमिट कर देना चाहिए। हनी इज ऑल्सो रिच इन फ्रक्टोज, सो इट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ड्राइड फ्रूट्स जैसे कि रेजन्स, डेट्स, फिग्स, इनमें भी फ्रक्टोज का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस में भी फ्रक्टोज ज्यादा अमाउंट्स में होता है। तो इन शॉर्ट, चाहे वो नेचुरल फूड हो या फिर पैकेज्ड, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए फ्रक्टोज रिच फूड्स को अवॉइड करना जरूरी है। चलिए देखते हैं अगली फूड कैटेगरी कौन सी है। सो नेक्स्ट इज अल्कोहल। कुछ अल्कोहल्स, स्पेशली बियर्स में प्यूरीन बहुत ज्यादा होता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होती है, जिससे किडनीज को नुकसान होता है और वो बॉडी से यूरिक एसिड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती। सो यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए अल्कोहल, स्पेशली बियर्स की कंजम्पशन को लिमिट कर देना चाहिए। बिंज ड्रिंकिंग अवॉइड करनी चाहिए और बॉडी को ज्यादा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। अगले फूड आइटम पर जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इस चैनल पे मैं इस तरह की बहुत सी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस एंड पॉडकास्ट अपलोड करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज रेड मीट। अगेन हाई अमाउंट ऑफ प्यूरीन जो ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली ये यूरिक एसिड किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, पर जब बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगे तो फिर ब्लड स्ट्रीम में जमा होने लगता है और फिर जॉइंट्स पे आर्थराइटिस जैसे सडन पेन, स्वेलिंग और रेडनेस देता है। सो रेड मीट की तरह ऑर्गन मीट्स जैसे कि किडनी, लिवर, ब्रेन में भी प्यूरीन ज्यादा होता है, सो इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, और इसकी जगह पर आप लीन मीट्स जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, पोल्ट्री या फिर फिश ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्यूरीन होता तो है पर रेड मीट के कंपैरेटिवली कम अमाउंट्स में होता है।
चलते हैं अगले फूड पर। नेक्स्ट फूड आइटम है लेग्यूम्स। वेजिटेरियंस की बात करें तो लेग्यूम्स में भी प्यूरिन होता है। ऑल्दो लेग्यूम्स का प्यूरिन नॉन वेज के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, बट अगर कोई वेजिटेरियन है और उनकी बॉडी में भी यूरिक एसिड ज्यादा है तो वो कुछ टाइम के लिए होल लेग्यूम्स को लिमिट कर सकते हैं। होल लेग्यूम्स जैसे कि छोले, चने, राजमा, साबुत दालें, इन्हें मॉडरेशन में लें और फिर यूरिक एसिड के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें। अगर लगे कि सिम्टम से रिलीफ मिल रहा है तो फिर कुछ टाइम के लिए इन्हें बिल्कुल कम कर दें, बट डाइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फूड इज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी सब्जियां जिनके अंदर मॉडरेट लेवल्स में प्यूरिन होता है। अगेन, ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर जिन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए इन्हें लिमिट या फिर अवॉइड कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि स्पिनच, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, हरे मटर, ये सब वेजिटेबल्स अदरवाइज तो बहुत हेल्दी हैं, इसलिए आप इन्हें मॉडरेशन में ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आप ये पांचों फूड्स खाते हैं तो इनमें से सबसे पहले ये पहली तीन कैटेगरीज यानी कि हाई फ्रक्टोज फूड्स, अल्कोहल एंड रेड मीट, इन्हें अवॉइड करें। सिर्फ इतना करने से ही आपको डिफरेंस फील होगा और लेग्यूम्स एंड प्यूरिन वाले वेजिटेबल्स को आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। तो ये तो थी सिर्फ डाइट रेकमेंडेशन। इन्हें अवॉइड करने से फायदा जरूर होगा, पर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, जैसे कि हाइड्रेटेड रहना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहना और हेल्दी डाइट लेना। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। एक सैंपल डाइट प्लान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिस पे क्लिक करके आप उस प्लान को चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो IMBAO से डाइट प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड और सर्टिफाइड डाइटिशियन आपके साथ 1-to-1 कंसल्ट करेंगे और आपको पर्सनलाइज्ड मील प्लान प्रिपेयर करके देंगे। इस प्रोग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। इसे और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।